हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, चाहे आप टेली सॉफ्टवेयर के अलावा कोई और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो सेम प्रोसेस आपका उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी लागू होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। जब हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर हम क्रिएट करते हैं और लेजर पर हम जाते हैं, तो जब हम सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में एंड टाइम के अंदर हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ओपनिंग बैलेंस का। तो इस ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमें कौन सी अमाउंट है जो लिखनी होती है, और इसके साथ साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही है डिफरेंस के रूप में, तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये किस प्रकार से क्लियर होगा। ये डिफरेंस आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा इसी अमाउंट का, और ये डिफरेंस आपको जब आप अपनी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बैलेंस शीट देखोगे, तो बैलेंस शीट के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन है जो दिखाई देता है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कुछ करके, और सेम अमाउंट आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। जबकि ये आपका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब स्टॉक आइटम को हम क्रिएट करते हैं, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के दौरान भी कुछ ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो मांगी जाती है, जिसके अंदर क्वांटिटी है, रेट है और वैल्यू है। तो इन ओपनिंग बैलेंस के अंदर हम कौन सी फिगर लिखनी होती है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देखते हुए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफी प्रैक्टिकल रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको बैलेंस शीट के आधार के ऊपर ओपनिंग बैलेंस है जो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर किस प्रकार से जो लिखा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत कुछ आप इस वीडियो से मिस कर दोगे। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस को लिखने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हमें जानना जरूरी है। अब हमारे पास में जो एक्सेल के अंदर आप ये बैलेंस शीट देख रहे हो, ये बैलेंस शीट है हमारी 31 मार्च 2023 की, और हमारा जो सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का हम अकाउंट है जो सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट करंट पीरियड हमारा चल रहा है। और ये हमारी जो लास्ट ईयर की, यानी कि 31 मार्च का जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल था 22-23 का, उसकी बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। अब इसी बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अब हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि 23-24 का ये ओपनिंग बैलेंस है जो बन जाता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ओपनिंग बैलेंस है जो यहाँ पर लिखने होते हैं। स्टार्ट हम करते हैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड से, और यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो अगर आपके टैली सॉफ्टवेयर ने लेजर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं, तो हमें उसको अल्टर करके हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। अगर आपने लेजर क्रिएट अभी तक नहीं किए, तो हमें साथ साथ हम लेजर भी क्रिएट करेंगे और साथ साथ हम उसका ओपनिंग बैलेंस भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हमारे कैपिटल काउंट के ऊपर, और जो कैपिटल अकाउंट अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से देख सकते हो। जैसा कि मेरे पास सुमित उस्ताद के नाम से एक लेजर क्रिएट है, और उसका कैपिटल अकाउंट का मेरे पास लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब मेरे को यहां पर क्या करना होगा, तो अब सबसे पहले यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस है इसके अंदर यहां पर कॉलम हम लाएंगे, कर्सर लाएंगे, और यहां पर जो लास्ट ईयर का जो हमारा बैलेंस है वो उसको हम यहां लिखेंगे 110-225 का। तो 110-225 का जैसे हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, आपका जो ये डिफरेंस है ये कुछ कम जाता होता रहेगा। यहाँ पे जब हम पूरी बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे, तो उसके दौरान ये बैलेंस है जो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में बैलेंस लिखने के बाद आपसे पूछा जाएगा भी आपका ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का या डेबिट साइड का है, तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड का रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्रेडिट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी कि हमारे ये जो बैलेंस है वो बैलेंस हमने लिख दिए, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद बारी आएगी हमारे पास सेंडरी क्रेडिटर की, बैलेंस शीट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आ जाएगी सेंडरी क्रेडिटर की। अब सेंडरी क्रेडिटर में आपको यहां पर केवल फिगर दिखाई दे रही है, सेंडरी क्रेडिटर्स के नाम यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहे, और यहां पर लिखा हुआ है एज पर शेड्यूल बी। तो यानी कि अब आपके पास यहां पर एक कोई शेड्यूल बी है, उसके अंदर आपको इस अमाउंट की जो लिस्ट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे सेंडरी क्रेडिटर एंड डेबिटर का एक सीट बना हुआ है, और यहाँ पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो भी ये जो हमारा लिस्ट ऑफ सेंडरी क्रेडिटर है, ये अमाउंट है 1,500,000 रुपये की, ठीक है। और 1,500,000 रुपये के अंदर ये दो हमारी ऐसी पार्टी है जिनका हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस है जो पेंडिंग था, एक विजय ट्रेडिंग कंपनी का 55,500 का,
तो अगर लेजर ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट है तो हम इसको एल्टर करेंगे, और यहां पर कंट्रोल एंड के साथ आप बटन प्रेस करोगे तो बिल्कुल ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम पे आप आ जाओगे। तो उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे 55,500 का, तो ये बैलेंस भी आपका क्रेडिट साइड का ही है। क्रेडिट साइड लिखते हुए हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में सेकेंड बैलेंस हमारा दुर्गा ट्रेडर्स का, तो यहां पर हम दुर्गा ट्रेडर्स का लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है, कंट्रोल एंड में प्रेस करूंगा और यहां पर इसका 45,000 रुपए का बैलेंस यहां पर लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो भी मैंने यहां पर लिख दिया। वापिस हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, तो यानी कि अब ये एक साइड हमारी है जो क्लियर अप हो चुकी है, तो इसको हम करते हैं यहां पर इसको हाईलाइट। उसके बाद बात आएगी फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट यानी कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके लिए हम डेप्रिसिएशन पे चलते हैं, शेड्यूल सी पे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल का मेरा लास्ट ईयर का बैलेंस था 31 का 4906 का। तो अगर मेरे पास मोटरसाइकिल का लेजर ऑलरेडी क्रिएट है तो नहीं है, तो मैं यहां से क्रिएट करूंगा मोटरसाइकिल। अब ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है, तो यहां से इसका ग्रुप में फिक्स्ड एसेट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद में जीएसटी इसके ऊपर मैं एक बार नोट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी में इसको इंक्लूड अभी तक नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये आपका अनरजिस्टर्ड रहते हुए यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में था 4906 का। और ये डेबिट साइड के बैलेंस अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये डेबिट साइड में डीआर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से इस बैलेंस शीट का हमारा ये भी बैलेंस हमने लिख दिया। उसके बाद में हमारा जीएसटी का इनपुट है, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। तो हम यहाँ से सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर को भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, 250 रुपये। अब ये सीआरएक डीआर है, ये डीआर है, तो इसलिए हम डी प्रेस करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा। इसी तरीके से एसजीएसटी का बैलेंस 250 रुपये डेबिट साइड का बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये अमाउंट है जो भी क्लियर हो चुकी है, हाईलाइट हम कर देते हैं। उसके बाद बात आएगी सैंडी डेप्टर्स की, तो सैंडी डेप्टर के अंदर आपको नहीं पता भी कितनी फिगर्स आपकी यहाँ पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर चलेंगे सैंडी डेप्टर पे, और लिस्ट ऑफ सैंडी डेप्टर के अंदर 13,554 रुपए की अमाउंट है, 13,554 की, तो यानी कि ये सिंगल पार्टी दिल्ली ट्रेडर्स के नाम से उसका बैलेंस है। तो दिल्ली ट्रेडर्स के नाम से लेजर ऑलरेडी क्रिएट है, बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 13,554 का। ये सीआर साइड का नहीं है, डेबिट साइड का। ये सीआर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसका जो ग्रुप है वो सैंडी क्रेडिटर किया हुआ है। लास्ट ईयर हमने इनसे कोई गुड्स परचेज किए थे, लेकिन हमने अमाउंट इनको कुछ एडवांस ज्यादा दे दी थी, तो ये हमारे एज ए डेप्टर के रूप में रहेगा, तो इसका बैलेंस है जो डेबिट साइड का रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये दिल्ली ट्रेडर्स का रख दिया, यानी कि हमारा सैंडी डेप्टर है वो भी अब क्लियर हो चुका है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को हम एक बार छोड़ेंगे। उसके बाद बात आएगी हमारे पास में कैश इन हैंड, तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर कैश का लेजर है उसका भी हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, और कैश जो बैलेंस हमारे पास 52,250 का, ये डेबिट साइड ही रहता है। और उसके साथ साथ हमारा बैंक ऑफ इंडिया का, तो हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का भी लेजर है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हो बैंक ऑफ इंडिया का हमारे पास हमने ऑलरेडी एक बैलेंस डाला हुआ था, उसी की वजह से हमारा ये ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो डिफरेंस शो कर रहा था, क्योंकि सिंगल हमने अमाउंट डाली थी और इसके साथ साथ कोई भी हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था, उसी की वजह से आपका डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस से जो फर्क आ रहा था, इसी वजह से वो फर्क आ रहा था। तो बैलेंस हमारा क्लियर हो चुका है। अब आप देख सकते हो भी डिफरेंस हमारा कितना रह गया, 20,626 रुपए का। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इस बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास केवल 20,626 की यही अमाउंट बची हुई है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमें डालना है। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके से हम डालते हैं, एक हमने मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने एक तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जीएसटी 12% का है और एक कॉस्मेटिक गुड्स 28% का है। लेकिन अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर काफी सारी स्टॉक आइटम हो सकती है, लेकिन आपको ये नहीं पता भी कौन सी आइटम आपके पास क्वांटिटी में कितनी बची हुई थी और उसकी वैल्यू क्या थी, तो इसके लिए आपको अलग से स्टॉक की डिटेल है जो तैयार करनी पड़ती है। जैसा कि हमने कह दिया 18,968 रुपए का स्टॉक बचा हुआ था, तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट था, ये हमारे पास लास्ट ईयर की क्वांटिटी बची हुई थी, इतने रुपए की बची हुई थी, तो ये हमारी 18,968 रुपए की और ये 18,968 रुपए की। अब ये जो स्टॉक आइटम की जो डिटेल्स है इसको हम कहाँ लिखेंगे, वापस हम बैक चलेंगे, अल्टर पे आएंगे और स्टॉक आइटम पर आएंगे। और इस स्टॉक आइटम के अंदर सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो इसका एलईडी 25 वाट का है, तो हम यहाँ से इसको 25 वाट को सिलेक्ट करेंगे। अब हम बिल्कुल लास्ट के अंदर आएंगे कंट्रोल एंड के साथ,
तो क्वांटिटी पूछ रहा, सबसे पहले कितना स्टॉक कितना बचा हुआ था, 55 पीस बचे हुए थे, तो यहाँ पर हम 55 लिखेंगे। अब आपको वैल्यू कितने रुपए की थी, 9248 रुपए की, ठीक है। तो यहां पर पीस का रेट ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में सेकंड है 5 वाट वाली सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एंड हम प्रेस करेंगे। क्वांटिटी हमारी पे है 35 पीस की लास्ट ईयर की, और वैल्यू थी हमारी 3010 की, एंटर प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से 9 वाट जो क्वांटिटी है इसकी है 61 पीस थी हमारी, 61 हम ओपनिंग में डालेंगे, और इसकी वैल्यू थी 6710 रुपए की। और एक हमारे पास 1658 रुपए का क्लिनिक प्लस का भी स्टॉक था, क्वांटिटी हमारे पास थी 20 पीसेस और वैल्यू इसकी 1658 रुपए, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब वापस हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, या आप कोई भी एक बार लेजर क्रिएट करके देख लो। तो अब आपका जो डिफरेंस है वो देख सकते हो, 210725 आपका डेबिट साइड है और 210725 ही आपका क्रेडिट साइड का है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर आपको ये जो टोटल है यहाँ दिखाई देगा कि 210725 आपका क्रेडिट साइड का था और 210725 ही आपका डेबिट साइड का और ये क्रेडिट साइड का, यानी कि जो आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो आपने एजीटी दी अपना टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहाँ पर आपने उतार दिया। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। और ये जो पहले हमारा बैलेंस शीट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था, अब वो डिफरेंस भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने सारी अमाउंट है जो क्लियर कर दी है। तो इस तरीके से अगर आपके पास ओपनिंग डिफरेंस कोई शो करता है टेली सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, अगर आपने एक का डाटा डाल दिया दूसरे का किसी का डेबिट साइड में बराबर नहीं डालोगे तो ये डिफरेंस आपको शो करेगा, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो। कोई सॉफ्टवेयर आपको ट्रायल बैलेंस में भी शो करेगा। अगर हम इसका केवल ओपनिंग बैलेंस देखना चाहें तो आप इसका ट्रायल बैलेंस में जाके ओपनिंग बैलेंस भी देख सकते हो। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे आना है, ट्रायल बैलेंस पे आना है, ठीक। और इसको हम पूरा डिटेल के साथ आप यहाँ से पूरा डिटेल इसकी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखनी है ओपनिंग बैलेंस की, तो आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, आप शो इन ओपनिंग बैलेंस पे हम एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस अगर आपको नहीं देखना तो आप इसको नो कर दो। इसमें आपका क्या होगा कि केवल जो आपके लास्ट ईयर के जो बैलेंस थे वही आपको यहाँ पर शो करेगा, देख सकते हो। इसका जो अमाउंट है 210725 रुपए की जो अमाउंट है वही आपको यहाँ शो करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हो भी आपका कैपिटल का बैलेंस कितना था, लाइब्रेरी साइड के अंदर आपने क्या क्या डाटा उठाया है, ठीक है ना। आपके क्रेडिटर लास्ट ईयर के ये थे और एक डेबिटर का बैलेंस था जो आपका ग्रुप अंडर आपने क्रेडिटर लिखा हुआ था, तो उसका बैलेंस आपने डेबिटर साइड में ये था। ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी कि सीजीएसटी और रजिस्ट्री का आपने 250 रुपए का ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ, यानी कि ये आपको केवल ओपनिंग बैलेंस ही दिखाई दे रहा है, नहीं पता लग रहा भी कहाँ से है। तो आप इस तरीके से आपने ट्रायल बैलेंस के आधार पर अपना और बैलेंस शीट को ओपन करके डाटा को वेरीफाई कर सकते हो। पूरा डाटा कंप्लीट होने के बाद आपका ओपनिंग बैलेंस का जो डिफरेंस जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।